स्वागत है आप सभी का एमटीवी न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। यूपी, बिहार और पंजाब में गरजेंगे बादल, इन जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आपको बता दें, मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर आई है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लू से जल्द राहत मिलेगी। इन इलाकों में मानसून भी जल्दी पहुंचने वाला है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में दस्तक दे सकता है। यानी मध्य प्रदेश के रास्ते आगे बढ़ रहे मानसून को दिल्ली आने में करीब 650 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वहीं पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ रहा तापमान मानसून दिल्ली से 1236 किलोमीटर दूर है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में जहां 27 से 30 जून के बीच बारिश होने की संभावना और उम्मीद है, उनमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच आईएमडी ने 19 जून के बाद से आग बरसती गर्मी से निजात मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 25 जून के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के रास्ते दिल्ली में मानसून की एंट्री हो सकती है। ऐसे में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश मानसून की वजह से हो सकती है। उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पंजाब, हरियाणा समेत भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शाम से बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति कम होने की संभावना है। इसके अलावा कल से दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 3 से 4 दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लू के थपेड़े और चिलचिलाती गर्मी से परेशान है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड के कुछ हिस्सों और इलाकों में हीटवेव चलने की आशंका जताई जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में समय पर मानसून की एंट्री हो जाएगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा लगातार दूसरे साल कमजोर है। इसके चलते इन राज्यों में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, जब बारिश की भी संभावना है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति कम होने की संभावना है। उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में अभी भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से गर्म हवा और लू चल रही है, जिसके चलते लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में लोगों को मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी और ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 23 जून से मानसून की बारिश हो सकती है। बिहार में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, कल वो ऑरेंज और परसों के लिए येलो अलर्ट चला है। झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट पर है, वहीं कल से येलो अलर्ट पर चला जाएगा। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हीटवेव की स्थिति है वो थोड़ी कम होगी, जिसके चलते ये राज्य रेड अलर्ट के ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद येलो अलर्ट में तब्दील हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, अरेबियन सी से साउथ वेस्ट विंग के साथ वेस्टर्न विंग आ रहा है, उसके चलते बादल और हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी इसकी उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को हीट वेव से राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लू के थप्पड़े से परेशान लोगों को अब राहत की बूंदों की आस है। बंगाल और पंजाब और बिहार के बीच मानसून के ठिटकने से उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे मानसून पर ब्रेक सा लग गया है। इसकी वजह से रमेल चक्रवात है, जिसके चलते मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार धीरी हो गई है। हालांकि आईएमडी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों से 4-5 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में अगले 5 दिनों तक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की आशंका है। खासतौर पर अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए, लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।